अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार आदाब, मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। इस समय मौजूद है कानकी में, और कानकी में चाकुलिया तृणमूल की तरफ शीतलगुजी में जो कल घटना हुई थी कि मिलिट्री के द्वारा चलाई गई गोली में 5 लोगों की मौत हुई थी, उसी के खिलाफ आज यहां कानकी में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक धिक्कार मिशिल निकाली गई है और उन्हीं के खिलाफ कुछ लोग धिक्कार मिशिल में शामिल हुए, उनसे बात करते हैं। क्या क्यों आज का ये धिक्कार मिशिल? इस धिक्कार मिशिल इसलिए है कि हमारे देश के जो ये डिफेंस मंत्री जो अमित शाह हैं, वो कानून को बिल्कुल तोड़ रहे हैं और हमारे जो शीतलकुची विधानसभा में 4 लोगों को इलीगल मार दिया गया मिलिट्री के तहत, ये बिल्कुल अमित शाह का चाल है। इसलिए अमित शाह के खिलाफ आज हम लोग काला झंडा पूरे वेस्ट बंगाल में निकाले हैं, और अमित शाह के हम चाहते हैं कि अमित शाह इससे इस्तीफा जल्दी दे, ताकि आदमी को, हमारे बंगाल के आदमी को शांति और सुकून मिले। ठीक, चलिए। तो देख ही रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पे महिलाओं की भी तादाद काफ़ी है, महिलाएं भी इसमें शामिल हुई हैं। इस मिशन निकाले हम लोग, ये कल जो शीतलकुची में जो घटना हुई है, 5 तृणमूल सपोर्टर्स की का कत्ल के खिलाफ चकलिया तृणमूल कांग्रेस शिक्षक यूनियन के साथ उसका प्रतिबाद कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं सर आप? इसके लिए जिम्मेदार सीधी सी बात है कि बीजेपी को अपना वोट चाहिए। बीजेपी अपनी वोट पॉलिटिक्स के जरिया यहाँ पे एक वहशत फैला करके, आपको ऐसा लगता है कि केंद्र वाहिनी का जो मिलिट्री फोर्स है उनका गलत इस्तेमाल करे पश्चिम बंगाल में? ऑब्वियसली वो तो जग जाहिर है, सबको देखता है जी। तो जिस तरह से एक कहा जाता है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जो जिसके जहां पे सबको अपनी बात कहने का हक है, उस चीज़ को हम लोग खोते जा रहे हैं। हाँ श्योर, बीजेपी की हुकूमत में आप अगर शुरू से स्टडी कर रहे हैं तो यही चीज़ें मिलेंगी कि डेमोक्रेटिक जो पैरामीटर्स हैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए और भी बात करेंगे। क्या मकसद है आज के धिक्कार मिशिल का? धिक्कार मिशिल का है कि जो कल निर्दलीय आदमी वोट देने के लिए गया था, लाइन में लगा हुआ था, लेकिन यहाँ का केंद्र वाहिनी अमित शाह के इशारे पर गोली चलाया और 4 आदमी का, वहीं पर 5 आदमी का खून हो गया और वो इंतकाल कर गए। इस पर आज हम लोग धिक्कार मिशिल निकाले हैं। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? अमित शाह को। अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर को इशारा किया है, इसीलिए इस तरह का घटना घटा है। गोली चलाने का कोई जरूरत नहीं था, अगर ऐसा होने से हवाई फायरिंग भी कर सकता था, टीआर गैस भी छोड़ सकता था, लाठीचार्ज भी कर सकता था, लेकिन अमित शाह के इशारे पर ये सारा घटना घटा है। केंद्र वाहिनी किसी भी का मनमानी है, हिटलरी का पहचान है, उसी के खिलाफ आप लोगों का धिक्कार मिशिल जी। चलिए, तो जिस तरह से देख ही रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि शिक्षक संगठन, महिलाएं भी आगे हैं, मैंने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाया, और अभी ये पीछे मैं जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरा चाकुलिया ब्लॉक तृणमूल के नेतृत्व, यूथ लीडर्स सभी इस मिशिल में मौजूद हैं। फखरुज्जमान भाई हैं, इनसे 2 बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कल शीतलगुजी में हुआ, देखिए सर, पश्चिम बंगाल में 4 चरण वोट होने के बाद बंगाल के पीपल ने, आदमियों ने, पब्लिक ने जिस तरह से बीजेपी को रिजेक्ट किया है, तो बीजेपी साफ साफ समझ ली है बंगाल में उनका कुछ गाल गलने वाला है नहीं, और वो बिल्कुल बुरी तरह से हार चुकी है। इसीलिए वो अब अपने मैसनरीज को, CRPF को, जितने सारे उनके अंदर में होते हैं, अमित शाह की डायरेक्शन पर वो यूज करते हैं और एक बंगाल में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे बंगाल के लोग, हम लोग सब अवेयर हैं, और इंशाल्लाह ताला हम लोग इस जो कल जो 4 ये हुए उस पर हम लोग बहुत ही दुखी थे, लेकिन आने वाले वक्त में हम लोग सभी साथ ही रहेंगे, और हम लोग अपने कर्मी के जरिए सबको ये मैसेज देना चाहेंगे कि अपने अपनी हिफाजत सबको खुद करें, और जिस तरह से भी हो बंगाल को हम लोग को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है। ठीक, क्या कहना चाहेंगे सर कल हुए घटना के? कल जो घटना हुआ, अमित शाह का जो मंशा है गुजरात से लेकर के बंगाल तक, जिस तरह से वो पूरी खेल खेल रहा है, गुजरात में जिस तरह से दंगा किया, वही दंगा का माहौल हमारे बंगाल में पैदा करना चाह रहा है। और कल जो मासूम लोगों की जो हत्या हुई है, उसके लिए आज हम लोग धिक्कार मिशिल निकाल रहे हैं। हम लोग अमित शाह का रिजिग्नेशन का डिमांड करते हैं कि अमित शाह रिजाइन करे, देश उससे संभलता नहीं है, तो वो बंगाल देखने के लिए आया है, यही कहना है, हम लोग प्रतिवाद करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो
बयान आया कि उस पर यह कहा गया कि वहाँ पे उपद्रव मचा हुआ था, लोग नेताओं की गाड़ियों पे हमला कर रहे थे, काफी जो है वहाँ पे कुछ दंगाई आ चुके थे, कुछ भी नहीं था, वो मासूम लोग थे लाइन में, वो लोग खड़े थे वोट देने के लिए, टारगेट करके मारा गया है, एक समुदाय के लोगों को मारा गया है। ये बिल्कुल टारगेट है बीजेपी का कि एक समुदाय के ऊपर पर ये लोग हमला कर रहा है और बंगाल के माहौल को खराब करने का कोशिश कर रहा है और दहशत फैला रहा है ताकि यहाँ के लोग वोट नहीं करें, शांति से वोट करने के लिए यहाँ के लोग तैयार हैं। जो बात हुआ है, एक साधारण नागरिक, गरीब आदमी, गरीब इंसान अपना सबसे बड़ा मूल्य वोट देने के लिए वो जो बूथ पर आए थे उस पर निर्विचार जो गोली हुई है, जो गोली मार के हत्या की गई है, उसका प्रतिवाद में हम अमित शाह का अपसारण चाहते हैं, त्याग पत्र चाहते हैं और उसको बंगाल से इस तरह का वोट करने का जो उसने ये उठाया, जो कि उठाया है, बिड़ा उठाया है, उसका हम विरोध करते हैं। जो इंसान अपना सिंदूर का ये नहीं दे पाया, जो वादा किया था, अपना पत्नी को विवाह किया था सिंदूर डाल के, वो हमारे ये 100 करोड़ से ज्यादा इंसान को क्या हक दिलाएगा? ये रही पहली बात। ये झूठा, ये जिंदगी में कोई भी सच नहीं बोला है मोदी, कोई भी एक बात हमने उनके लिए नोट हमने रखवा दिया बैंक में, हमने सारा उलझन काटा है उसके लिए, लेकिन उन सब मुद्दों पे तो बात ही नहीं होती है। पूरे चुनाव को अगर देख लें तो जो मुद्दे आज से एक साल पहले थे जिनमें लोगों को परेशानियां हुई, उन मुद्दों पे बात नहीं होती है। बात होती है जातिवाद पर, बात होता है पर्सनली अटैक किया जाता है नेताओं पर, इस तरह का अभी राजनीति चल रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। बंगाल कभी भी इस सेंटिमेंट में नहीं आता है, ये वक्त भी बताया है कि ये पोलराइजेशन का ये कभी भी नहीं हुआ है, ये हर वक्त अपना न्याय मांगा है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके आज तक वो लहू में खून जो है हम लोग का ये दौड़ रहा है। पहला बात, आपको एक जो बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होने के बाद जो उसको मिलता है स्कूल में, जूता, चप्पल, बही, अगर ये सरकार ममता दीदी नहीं रहेगी, क्या उसका बाप को वो बच्चा नहीं बोलेगा कि पापा हमारा स्कूल में जूता नहीं मिला, उसको किताब फ्री में नहीं मिला? उसका बाप क्या जवाब देगा? जो एक इंसान अपना घर, हमारा जो घरवाली है उसको 500 रुपया मिलता है, हमको तो कल सवाल कर देगा, अरे मियाँ आपको जो 500 रुपया आता था वो रुपया तो नहीं आ रहा है, वो रुपया कहाँ से आएगा? ये जो बात है, ये सारा बहुत सारा मुद्दा है जो जिसको कम से कम 2 वक्त का रोटी का जो है गारंटी दी है हमारा ममता बनर्जी, हमको कुछ नहीं चाहिए और जात पात तो चाहिए ही नहीं। हम ये सारा इसमें इशू हम लोग लाएंगे और उसको हम समझाएंगे कि देखो ये जात पात का राजनीति बंगाल में नहीं चलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातें हम बहुत शॉर्ट में जानना चाहेंगे। भोलानाथ राय जी हमारे साथ है। एक ही घटना शीतलगुजी में हुई कि कोई माँ लावारिस हो गई, कोई पत्नी विधवा हो गई, कोई बेटा अनाथ हो गया, इस तरह की घटना जो एक केंद्र वाहिनी की द्वारा चलाई गई गोली से 5 लोगों की मौत हुई है, उसको आप क्या कैसे देखते हैं? कितने दुख की बात? देखिए ये तो बहुत दुख की बात है। ये लोग जो बीजेपी वाले हैं, ये लोग बोलते हैं जो बंगाल में संतरास होता है, मगर आज देखिए केंद्र वाहिनी ही संतरास चला दिया है और इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है, जो उनका ऊपर हमला हुआ है, अगर कोई जवान का ऊपर में हमला हुआ है तो वो दिखाए, कोई वीडियो दिखाए या वो दिखाए, उसका कोई हाथ पैर टूटा है क्या, कोई जवान एक मरा है क्या, मगर कोई दिखा नहीं पाएगा। ये है क्या जो ये लोग मारपीट करके एवं दहशतगिरी करके वोट आम पब्लिक को डरा के वोट लेने चाहता है? ये मोदी और अमित शाह का और केंद्रीय वाहिनी का यही निर्धारण किया है। ये अमित शाह, ये इसका जो कानून है और ये जो गुंडागर्दी कर रहा है, ये बंगाल में चलने वाला नहीं है। ये देखिएगा 2 तारीख को इसको रिजल्ट, हार हार में मोदी टेर पाएगा। उसका 3 सीट था, 3 से 30 हो सकता है, उससे बेसी ज्यादा हो नहीं सकता है। और 3 सीट
200 सीट जो दावी कर रहे हैं ये एकदम बेफजूल कहानी है। जनगण को एक ठो दस माने विवेक में एक ठो चिंता का विषय वो लोग चेष्टा किया है, मगर जनगण ममता का साथ है, ममता का सरकार होगा, तीसरी बार के लिए सरकार गठन करेगा, यही हम लोग को जनसाधारण का राय है। और 2 तारीख को देख लीजिएगा भारी बहुमत से ममता जीतेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद, मां माटी मानो जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं कानकी के धिक्कार मिसाइल में आए कुछ लोगों से बात कर रहा था जिसे आपने देखा। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकोलिया टाइम्स के लिए कानकी से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।